Hello everyone, welcome to Ssc guys. This is our 5th class of Vocab, so let's start. The word conciliatory means shantikar, maitripun, pecaming. A conciliatory linked word is a conciliatory. लॉटरी की वजह से तुम जो है मैत्रीपूर्ण हो गए, तुम्हारी कौन सी लॉटरी लगी जिसकी वजह से तुम जो है दोस्ती का भाव कर रहे हो, ठीक है ना। तो कौन सी लॉटरी का मतलब है कौन सी लॉटरी लगी जो तुम जो है मैत्रीपूर्ण बन गए हो, कैमिंग बन गए हो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है स्प्लेंडर से रिलेटेड वर्ड हमारा आता है स्प्लेंडर। स्प्लेंडर माने होता है पहले वेस्ट, व्यर्थ व्यय करना, मतलब किसी चीज़ को जो है वेस्टेज करना, तो लिंक हो जाएगा स्प्लेंडर। स्प्लेंडर बाइक खरीदने के लिए हमने दिया गया सारा पैसा हमने स्प्लेंडर कर दिया, मतलब स्प्लेंडर बाइक खरीदना जो है एक तरीका क्या है, वेस्टेज है। तो स्प्लेंडर जिसने खरीदी है स्प्लेंडर उसका पैसा हो गया स्प्लेंडर, जिसने खरीदी है स्प्लेंडर उसका पैसा हो गया स्प्लेंडर। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तीसरा है डेली रम का मतलब होता है मेडनेस। डेलीरम का मतलब होता है मेडनेस, मदहोशी ना बेहोशी, ठीक है ना। तो लिंक हो जाएगा डेली रम तुम्हारे अंदर की उन्माद मदहोशी की वजह से तुम्हारा डेली रम लेना है, ठीक है ना। तो इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर एक नया तरीका है कि डेली रम, अगर डेली रम पियोगे तो क्या होगा, मदहोशी छा जाएगी, मेडनेस आ जाएगी, ठीक है ना। अगर डेली जो है डेली रम पियोगे तो क्या हो जाएगा, मेडनेस हो जाएगी, मदहोशी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कल्पेबल। कल्पेबल माने होता है गुनहगार, रिप्रोचेबल, जो गुनहगार होते हैं उसको बोलते हैं कल्पेबल, ठीक है ना। लिंक है इसका कल्पेबल, जो हमेशा कल्पेबल डालता है, जो का मतलब आज का काम कल्प डालता है, वो क्या है, वो कल्पेबल है, वो गुनहगार है। कल्पे अपना काम छोड़ना जो है गुनाह है, तो जो कल्पे अपना बल डालते हैं वो क्या होते हैं, वो गुनहगार होते हैं, कल्पेबल होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है हैकल। हैकल है मतलब प्रश्नों से तंग करना, तो मतलब प्रश्न पूछ कर जो भी है जो तंग करते हैं वो बोलते हैं हैकल। तो हैकल का जो है लिंक हो जाएगा हैकल यहाँ थी प्लीज अकल, जो आज प्रश्न पूछ कर तंग परेशान कर रही है इसे आप रहने दीजिए, ठीक है। आप अगला देखिए हैकल मतलब है कल। कल की जगह हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं अकल, ठीक है, है अकल। देख लेते हैं हम है अकल के नहीं है, तुम जो है हर बार मुझसे प्रश्न पूछ कर तंग कर रहे हो, तुम्हें अकल है या नहीं, इस तरीके से हम इसको जो है याद कर सकते हैं हैकल को। हैकल मतलब है अकल तुम्हें, जो तुम मुझे हर बार प्रश्न करके परेशान कर रहे हो, तो मतलब प्रश्न पूछकर परेशान करने का मतलब है हैकल। अगला है डेबोनियर का मतलब था खुशमिजाज, मिलनसार, स्वेब, ठीक है ना। देवनर देवानंद एक खुशमिजाज नर थे, डेबोनियर से क्या आएगा वर्ड, देवनर यहाँ से देव आ जाएगा नर, ठीक है ना। तो क्या हो गया, डेबोनियर माने होता है खुशमिजाज, मिलनसार, स्वेव, ठीक है ना, देवानर, ठीक है। चलिए तो देवानंद जो है एक खुशमिजाज नर थे, इस वजह से जो है हम क्या करते हैं डेबोनियर देवानंद एक खुशमिजाज नर थे। अगला देखते हैं। अगला है कैरकस होता है मृत शरीर। कैरकस क्या होता है, मृत शरीर, डेड बॉडी। तो कार से एस के एक्सीडेंट होने के बाद एस को क्या करा कार ने एस को टक्कर मार दी और उससे जो है क्या हो गया, एस मर गया, तो क्या हुआ, एस की डेड बॉडी ही रह गई। इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं, कार ने एस के एक्सीडेंट होने के बाद एस का डेड बॉडी को बरी कर दिया, मतलब उसको दफना दिया। कार से एस का एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद एस का जो डेड बॉडी है उसको जो है दफना दिया गया, इससे याद हो जाएगा कैरकस से मृत शरीर, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है एंग्विश माने होता है पीड़ा, ठीक है ना, मनोव्यस्था या फिर एंग्विश, ठीक है ना, जिस किसी भी चीज़ का जो है दुख या पीड़ा जो है वो होता है हमारा एंग्विश, ठीक है। एंग्विश से हमें याद करना है अंग और विश। इतना लंबा विश लिस्ट होगा तो विश पूरा ना होने पर आपका अंग में एंग्विश होगा। अगर तुम्हारी लिस्ट इतनी लंबी होगी,
अगर तुम्हारी विश लिस्ट जो है इतनी लंबी होगी तो अगर वो पूरा नहीं तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हें दर्द होगा, तुम्हें एंग्विश होगा, तुम्हें दर्द होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है डोंट। डोंट माने होता है धमकी देना, डराना, इंटिमिडेट करना, ठीक है। डोंट माने क्या होता है, धमकी देना, डराना, इंटिमिडेट करना। डोंट डोंट से हमें याद आता है डांट, ठीक है। डांट तो डांट से डांट या अंट, तुम्हारी अंट मुझे डांट डांट कर डरा रही है, तुम्हारी अंट मुझे डांट डांट कर डरा रही है। तो डोंट से अंट ले लो और डांट ले लो, ठीक है ना। तो अंट और डांट, तुम्हारी अंट मुझे डांट डांट कर डरा रही है, इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला है इमानेट। इमानेट 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 माने होता है, इमानेट माने होता है प्रकट करना या उत्पन्न करना या फिर स्टैम्प करना, किसी भी चीज़ का जो है दिखाना, दिखावा करना। तो ईमान एट, ईमान एट, ईमान को हमेशा इमानेट करने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं होती। जिसका भी कोई ईमान है, किसका कैसा ईमान है, वो जो है उसको डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा उसका ईमान है वो सब लोग जानते हैं, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं डेली। डेली 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 माने होता है समय जो है गंवाना, वेस्ट करना, ठीक है ना, डिले करना, एक तरीके से जो है समय का सदुपयोग नहीं करना डेली कहलाता है। डेली माने समय गंवाना, डिले, ठीक है ना। तो डेली से याद आता है डेली, डेली से डेली, हम लोगों को डेली समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हम लोगों को डेली क्या है, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। देखते हैं अगला। अगला है ट्वेल्थ सीथ थी, सीथ, एक था हमारा लीथ, लिजम सपल, एक था है, एक है हमारा सीथ। तो सीथ से होता है गुस्से से खोलना, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बी फ्यूरियस। तो सीथ से हमें याद आता है सीथे, सीधे, सीध से क्या याद आता है, सीधे। तुम इतने सीधे होने के बावजूद भी गुस्से से उबल रहे हो, तुम इतना सीधे होने के बावजूद भी गुस्से से उबल रहे हो, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अगला है टेनासिटी। टेनासिटी माने होता है जिद्दी, हट, डॉगडनेस और स्टबर्न, ठीक है ना, ये हमारा टेनासिटी का होता है। तो टेनासिटी मतलब टीना, ठीक है, और सिटी, टीना और सिटी, ठीक है ना। तो इसका जो है लाइन है, इसकी लाइन है, जब से टीना सिटी में रहने लगी है तब से उसकी ऑब्स्टिनेंसी बढ़ गई है, जब से टीना जो है सिटी में रहने लगी है तो क्या हो गई है, वो जो है स्टबर्न बन गई है, जिद्दी बन गई है, हटी बन गई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो टेनासिटी के बाद देखते हैं ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट माने होता है, ऑब्ड्यूरेट माने भी सेम है, जिद्दी, हटी या फिर म्यूलिश, ठीक है ना, या फिर स्टबर्न। तो अब्दुल रेट, अब्दुल रेट लिंक क्या है, अब्दुल रेट, अब्दुल के रेट को लेकर अडामेंट नहीं होता, मतलब अब्दुल अपने रेटों को लेकर जो है जिद्दी या हीट नहीं होता, कोई बोलता है कम कर दो, कोई बोलता है ज़्यादा बोलता है तो वो कर देता है। अब्दुल रेट, अब्दुल रेट, अब्दुल रेट माने क्या होता है, जिद्दी या हटी। अब्दुल के रेट जो है, अब्दुल के रेट जो है बिल्कुल सही है, वो जो है अड़ता नहीं है अपने रेट को लेकर, वो जो है अपने रेट जो है एडामेंट नहीं है अपने रेटों को लेकर, उसके रेट जो है वो अगर बोलोगे कम करना है तो कम कर देगा, बढ़ाना है तो बढ़ा देगा वो, ठीक है ना, इस तरीके से वो काम करता है। तो इसलिए वो क्या नहीं है, वो जिद्दी या हटी नहीं है, ठीक है ना। अगला है असाइलेंट। असाइलेंट 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 माने होता है आक्रमणकारी, आक्रमणकारी, असॉल्टर, ठीक है ना। असाइलेंट माने क्या होता है, आक्रमणकारी या असॉल्टर। तो असल एंट, असाइलेंट माने असल एंट, ठीक है ना। तो इसे आप पहन लीजिए, इसकी एक ट्रिक है, असाइलेंट 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 असाइलेंट। तो असाइलेंट का हमारी हम बताते हैं, असाइलेंट असाइलेंट माने होता है जहाँ पे जो है, असाइलेंट से आप क्या याद रखेंगे, असाइलेंट से आप याद करेंगे असाइलम, असाइलेंट, जहाँ पे जो है आप ये जो है जो पागलखाना होता है उसको बोलते हैं असाइलेंट, ठीक है ना। असाइलम में क्या होते हैं सारे लोग, असाइलम में सारे लोग जो होते हैं आक्रमणकारी होते हैं, असॉल्टर होते हैं। तो असाइलेंट से याद हो जाएगा हमें जो है असाइलेंट, असाइलेंट में कैसे लोग होते हैं, सब जो है आक्रमणकारी होते हैं, या फिर असाइलेंट जो चुप ना रहता हो, असाइलेंट जो चुप ना रहता हो, ठीक है ना। तो जो चुप नहीं रहेगा वो कैसा होगा, वो आक्रमणकारी होगा, वो जो है असॉल्टर होगा, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला है लेटेंट। लेटेंट माने होता है गुप्त, ठीक है ना, अनटेप्ड, मतलब लेटेंट माने क्या होता है, गुप्त। लाटेंट, लेटेंट से आप याद करिए लाटेंट, लाटेंट। अब टेंट ले गया ताकि सब काम गुप्त तरीके से हो सके, अब टेंट ले आओ जो कि जो है रात हुई है और जो है सब काम जो है तरीके से जो है गुप्त कार्य हो जाएँ, ठीक है ना। लैटेंट माने लाटेंट, टेंट में क्योंकि क्या होंगे, लाटेंट में जो है सारे गुप्त कार्य होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। रैप्सोडी, रैप्सोडी होता है जॉय, हैप्पीनेस या फिर एक्सल्टेशन, ठीक है ना, अत्यंत प्रशंसा, खुशी। तो रैप्सोडी, रैप्सोडी से आप क्या याद कर देंगे, रैप, रैप सोडी से याद कर लेंगे सीडी, रैप सीडी,
सीडी में सारे रैप सॉन्ग हैं, तो इसलिए वो बजाने से क्या होगा, वो जो है खुशी होगी। इस सीडी में सारे रैप सॉन्ग हैं, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बहुत खुश कर देंगे। जितने भी तुम्हारे जो है इसमें सीडी में जो है रैप सॉन्ग हैं, वो क्या करेंगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बहुत बहुत खुश कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं शिकंजी। शिकंजी माने होता है झांसा देना, डिसेप्शन करना, फ्रॉड करना, डिसीव करना। ठीक है, शिकंजी माने क्या होता है, झांसा देना, डिसेप्शन करना या फिर शिकंजी करना। ठीक है, शिकंजी मतलब सीखा नहीं, सीखा नहीं हमने नारी के साथ डिसेप्शन करना या फिर जो है सेकेंडरी करना। सीखा नहीं हमने जो है नारी के साथ सेकेंडरी करना, हमने जो है नारी के साथ फ्रॉड करना सीखा नहीं। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला है बैबल। बैबल माने होता है बकवास करना। बैबल माने क्या होता है, बकवास करना, तुतलाना, टॉक इनकोहेरेंटली मतलब कुछ भी बोलना। तो बैबल मतलब बावली, बावली कर सकते हैं, बबली हमेशा बकवास करती है, बबली हमेशा क्या करती है, बावली बात करती है, या फिर बबली हमेशा क्या करती है, बकवास करती है, बबली हमेशा बकवास करती है। तो बैबल से क्या याद आएगा, बबली, और बबली से याद आएगा बबली हमेशा बकवास करती है। एब्ज्योर माने होता है शपथ पूर्वक त्याग कर देना। ठीक है ना, एब्ज्योर माने क्या होता है, शपथ पूर्वक त्याग कर देना, रिनाउंस करना देना। ठीक है ना, ए बी डिविलियर्स ने क्या करा है, उसने शपथ पूर्वक जो है त्याग दे दिया है, उसने आराम से जो है त्याग दे दिया है। ठीक है ना, क्या त्याग दिया उसने, अपनी कैप्टनसी का और अपने जो है अहदे का त्याग दे दिया उसने। या फिर इस तरीके से अब जोर है ना, अब जोर से ठीक है, अब जोर से फिर हम एक बार और ये देख लेते हैं, अब जोर से बोल दिया कि आज से मैं गलत आदतों का क्या करता हूँ, त्याग कर दूंगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, अब जोर से बोल दिया है कि आज से मैं गलत आदतों का त्याग कर दूंगा। तो आज भी हो गए हमारे जो है 20 वर्ड्स, और प्रैक्टिस सेट हमने 5 कर लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो को। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।